हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल प्रीति वीरेंद्र वर्मा 2022 में स्वागत करती हूँ। और आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आएँ, हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हम अपने सब्सक्राइब भाई बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और दो चार कमेंट जरूर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि ये भाई लोग हमें सब्सक्राइब किए हैं। इसके अलावा अगर आप नए हैं और हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ आपसे सभी ने निवेदन है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मुझे आप लोगों से एक बात और कहनी है, जैसा कि राखी पाल सिस्टर ने मेरे एक अपने ब्लॉग में बताई थी कि अगर किसी को सब्सक्राइब करो तो दिल से सब्सक्राइब करो वरना मत करो। हमारे चैनल पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दो कमेंट करके चले जाते हैं, और हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम जिसको सब्सक्राइब करते हैं तो दिल से सब्सक्राइब करते हैं वरना नहीं करते हैं। जैसे एक ब्लॉग में राखी जी ने कहा था, किसी को सब्सक्राइब अगर करना है तो दिल से करो। और कुछ लोग हमारे ऐसे सब्सक्राइब भाई बहन हैं जो हमें दिल से सब्सक्राइब किए हैं और हमारा हर एक ब्लॉग देखते हैं, हर एक वीडियो देखते हैं, रील वीडियो हो चाहे ब्लॉग वीडियो हो, सब पर कमेंट करते हैं और वो हमें हमारा सपोर्ट करने में मदद करते हैं। और आज के ब्लॉग में मुझे आप लोगों से एक बात और कहनी है कि YouTube को एक ऐसी अपडेट ज़रूर देनी चाहिए नए साल में कि जिससे हमें पता चले कि किसने हमें अनसब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। वो हमारे चैनल पर रिक्वेस्ट भेजते हैं या हम उनके चैनल पर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और हम उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जब उनका चैनल ग्रो होने लगता है तो वो हमें अनसब्सक्राइब कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि किसने हमें अनसब्सक्राइब किया है। तो मैं राखी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यूट्यूब को एक ऐसी अपडेट ज़रूर देनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि किसने हमें अनसब्सक्राइब किया है। और आज के ब्लॉग का मुख्य बनाने का कारण बस यही है कि हमें पता चल जाए। जैसा कि फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, उस पर हमें पता चल जाता है कि किसने हमें फॉलो करके फिर अनफॉलो कर दिया है, और ऐसा ही अपडेट यूट्यूब पर बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे चैनल पर भी हैं जिनको हमने रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी कि हमें सब्सक्राइब कर लो। हमने तो उनको सब्सक्राइब कर दिया और उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया, फिर बाद में देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, उन्होंने हमें अनसब्सक्राइब करके हमारा चैनल छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका चैनल ग्रो हो रहा था, उन्हें लगता था कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप सभी लोगों से, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर सब्सक्राइब करना है तो दिल से कीजिए, और हमने जिसको भी सब्सक्राइब किया दिल से सब्सक्राइब किया है, वरना मैंने सब्सक्राइब किसी को नहीं किया, वो छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर हो। और हम उनके चैनल पर हमेशा सारे वीडियो ब्लॉग फुल वॉच करते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर किसी का कोई ब्लॉग या कोई रील वीडियो मुझसे देखने में छूट गया है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगेंगे आप लोगों से। और जिन्होंने हमारे चैनल पे कमेंट किया, हमने उन सभी को सब्सक्राइब किया और हमेशा उनके वीडियो फुल वॉच करते हैं। और आप सभी लोगों से यही कहना है कि आप भी हमारे वीडियो फुल वॉच करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने भी हैं और अनसब्सक्राइब करके चले गए तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपसे गलती हुई तो आप अपनी गलती सुधार लो। और हम राखी जी के हर एक ब्लॉग को अच्छी तरह से देखते हैं, उनकी हमें हर बात बहुत अच्छी लगती। तब तक के लिए बाय।
आप YouTube देखने वाले भाई बहन सोच रहेंगे कि ये बार बार राखी जी का क्यों नाम ले रही हैं। हम राखी जी का इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में ऐसी बात कही है, इसीलिए नाम ले रहे हैं। और हम आप सभी लोगों से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि राखी जी से, लेकिन राखी जी ने ऐसी बात कही जो हमारे दिल को छू गई, हमें बहुत अच्छी लगी और हम उनकी बात से सहमत थे, इसीलिए हमने अपने ब्लॉग में राखी जी का बार बार नाम लिया है। और अगर आप हमें दिल से प्यार करते हो तो हम आपको भी दिल से ही प्यार करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमारे भाई बहन ही जैसे हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी, आई एम सॉरी। आपसे सभी ने निवेदन कि मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो। अगर कोई भूल नहीं हुई तो आप अपना प्यार सपोर्ट हमें बनाए रखें और हमारे चैनल को